YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सभी देवताओं में भगवान भोले शंकर ही ऐसे देवता है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, और सोमवार का दिन भगवान शंकर जी का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन यदि आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से भोले भंडारी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान प्रदान कर देंगे। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूर्ण करना चाहिए। नारद पुराण में बताया है कि सोमवार व्रत में व्रती को प्रातः जल्दी स्नान करके शिव जी को जल और बिल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा माँ पार्वती और शिव शंकर का पूजन करना चाहिए। गौरी शंकर का पूजन इस दिन किया जाता है और शिव पूजन के बाद सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय आपको भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर तक होता है, यानी शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत तीन प्रकार का होता है, प्रति सोमवार का व्रत, सोम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। हालांकि 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो थोड़ा कठिन होता है, उसके नियम पालन करना थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन 16 सोमवार का व्रत करना भी जो है उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करने से मनुष्य की जो जो भी कामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है, यानी विवाह की कामना, संतान की कामना या रोजगार की कामना, व्यापार की कामना या जो भी कामना हो वह 16 सोमवार के व्रत के करने से परिपूर्ण हो जाती है। 16 सोमवार के दिन निर्जला या निराहार व्रत किया जाता है तथा एक समय जो है चूरमे आदि का प्रसाद लेकर के उस व्रत का पूजन करने के बाद समापन किया जाता है। लेकिन जो साधारण सोमवार का व्रत होता है उसमें शाम को भोजन किया जाता है। दिन में आप चाहें तो फलाहार आदि वस्तुएं ले सकते हैं, लेकिन भोजन शाम को ही एक समय करना चाहिए। साधारण सोमवार में भगवान शंकर जी का आप अपने अनुसार जैसा आप करते आए हैं उस प्रकार भगवान का पूजन अर्चन कर ले, उसके बाद कथा श्रवण कर ले और दिन में चाहें तो फलाहार आदि ले ले और शाम को आप भोजन ग्रहण कर ले। इस प्रकार यह व्रत संपन्न हो जाएगा। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में इस व्रत को करते हैं तो निश्चय ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा माता पार्वती एवं शंकर जी से मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको सोमवार व्रत की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह साहूकार बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका पूजन, माता पार्वती का पूजन किया करता था, यानी शिव पार्वती का एक साथ पूजन किया करता था। उसकी भक्ति को देख करके एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती माता की इच्छा को सुन करके भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा की। माता पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति भगवान शिव जी का पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद में साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी नगरी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुला करके उसे बहुत सारा धन दिया
और कहा कि जाओ इस बालक को काशी में विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दान दक्षिणा प्रदान करते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर आया जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काणा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काणा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देख करके उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन दे करके यहाँ से विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र धारण करवा करके राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काणा है और मैं तो अपने मामा के साथ में काशी नगरी विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी नगरी पहुंचते हैं। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की पूर्ण हो गई उसी दिन यज्ञ का अनुष्ठान आयोजित करवाया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मामा जी मैं अंदर जाकर के विश्राम कर लूं। भगवान शंकर जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए। मृतक भांजे को देख करके उसका मामा विलाप करने लगा। संयोग वह उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। माता पार्वती के विशेष आग्रह पर उनके निवेदन पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह साहूकार का लड़का जीवित हो गया। शिक्षा की समाप्ति के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते चलते पुनः उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उस साहूकार के लड़के को पहचान लिया और उस राजा ने अपने महल में ले जा करके उसका स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री को उस साहूकार के लड़के के साथ में विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह करके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक उनके बेटे का समाचार प्राप्त नहीं होगा और यदि बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम भी दोनों प्राण त्याग देंगे। और अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर के बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करेगा या सोमवार की कथा का श्रवण करेगा या सोमवार की कथा का श्रवण किसी और को करवाएगा और सोमवार की कथा को जो कोई भी सुनता है पढ़ता है विधिवत पूरी निष्ठा के साथ में सोमवार का व्रत करता है उसके सारे संकट कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे मनचाहा फल इस संसार में प्राप्त होता है।
बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।